नोएडा ग्रेटर नोएडा में बिल्डर्स द्वारा बायर्स को परेशान करने और समस्याओं पर फौरी कार्रवाई ना करने की खबरें बहुत सुनी होगी, लेकिन तमाम खबरों के बीच नोएडा में बिल्डर ऐसा भी है जिसकी तारीफ उसके बायर्स करने से नहीं थकते। जी हां, सही सुना आपने, बायर्स की किसी परेशानी पर फौरी कार्रवाई, प्रोजेक्ट की टाइम पर डिलीवरी और अन्य समस्याओं पर एस गोल्फ शेयर के बिल्डर की तारीफ यहाँ के बायर्स करते नहीं थक रहे। लोगों का कहना है कि इनके बिल्डर उनकी समस्याओं को सुनते भी हैं और उनका तुरंत समाधान भी करते हैं। यही नहीं, यहाँ के बायर्स बिल्डर से बहुत खुश हैं। तो आइए सुनते हैं कि आखिर बायर्स का क्या कहना है। इस गोल्फ शहर में मैं लगभग 1.5-2 साल से रह रहा हूँ, और खास बात तो इसकी सबसे अच्छी ये है कि इसकी लैंडस्केपिंग। तो जब हम लोग घर देखने आए थे पहली दफ़ा, तो मैंने और कहीं जाना पसंद ही नहीं किया। एकदम इस तरह से लव एट फर्स्ट साइट होता है, उसी तरीके से पहली बार में ही हमें पूरा का पूरा जगह पसंद आ गया। और इसकी जो लैंडस्केपिंग है वो इसका मेन USP मैं कहूँगा। अमूमन ये देखने में आता है कि जो रेजिडेंट या बायर्स होते हैं उनको बिल्डर से कोई ना कोई शिकायत रहती है, और यहाँ मैं सोसाइटी में देख रहा हूँ कि बायर्स जो हैं वो बिल्कुल भी बिल्डर से उनको कोई शिकायत नहीं है, तो क्या यहाँ ऐसी कोई दिक्कतें हैं ही नहीं? देखिए, ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% दिक्कतें नहीं हैं। सब अच्छी बात बिल्डर की ये नहीं होती कि दिक्कत आती नहीं है, जो दिक्कत आती है वो तुरंत रिजॉल्व हो जाती है या एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में रिजॉल्व हो जाती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो अभी तक ये है कि मैं पिछले 1.5-2 साल में जब भी मुझे कोई कंप्लेंट आती है कॉमन एरिया को लेके, कोई लाइट्स को लेके या कोई भी ऐसी सफाई को लेके, तो मेरा सोल्यूशन तुरंत होता है। और इसी के लिए इस चीज़ के लिए ही यहाँ का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो बिल्डर के साथ रेगुलर टच में रहता है, एंड दे हैव अ वेरी गुड कोऑर्डिनेशन, तो हमें कोई दिक्कत आती ही नहीं। दैट्स द रीज़न कि यहाँ के रेजिडेंट्स को दिक्कत नहीं आती। सचिन सर, आप कब से इस सोसाइटी में रह रहे हैं, इस गोल्फ शहर में, और ये सोसाइटी की क्या खासियत है और क्या चीज़ें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं? मेरे को हो गए 2.5 साल करीब हो गया यहाँ रहते हुए। अभी तक सोसाइटी काफ़ी अच्छी लगी है। मैं दिल्ली से आया था, सो दिल्ली से यहाँ के बहुत पीसफुल है, लैंडस्केप बहुत अच्छा है। मेन आई थिंक सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि अभी सेक्टर खाली है थोड़ा, तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है। बच्चे अपने आराम से जा सकते हैं, क्लब फैसिलिटीज़ हैं, खेल सकते हैं। वो हम सबको थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी, बट अभी वो ठीक है। बाकी आई थिंक लैंडस्केप है, ग्रीन लैंडस्केप है, वो अच्छा है। आपके गोल्फ एरिया हो या सेंट्रल पार्क हो, वो अच्छा है। प्लस जो अपार्टमेंट का लेआउट है वो बहुत अच्छा है, तो वो थोड़ा वेंटिलेटेड है, तो हर कमरे में रोशनी भी रहती है और पूरा वेंटिलेटेड रहता है। ऐसा देखने में आता है कि बिल्डर बायर्स की जो प्रॉब्लम है उसको बिल्डर्स के भी ध्यान नहीं देते, आप लोगों की ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी रही है या बिल्डर? देखिए, थोड़ी बहुत तो हमेशा रहती हैं, वो चलता रहता है, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। बट ओवरऑल इफ़ आई लुक एट, काफ़ी सोसाइटीज से बेटर है, राइट? तो ऐसी कोई इशू नहीं है, छोटा मोटा इशू जो रहता है वो तो रिजॉल्व होते रहते हैं और चलते भी रहेंगे, वो मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस है। बाकी काफ़ी बेटर है यहाँ चीज़ें। थैंक यू। मेरा नाम सौरभ चतुर्वेदी है। मैं सोसाइटी में कब से आप रह रहे हैं? मुझे ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। मैं लास्ट ईयर अगस्त में शिफ्ट हुआ था, ऑल्दो परचेज तो ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पहले ही कर लिया था, बट ड्यू टू कोविड एंड ऑल। देखिए, मैं एक्चुअली मुंबई में रहता था, मैं इधर मेरा ग्रेजुएशन यहाँ से हुआ था, तो ऑलमोस्ट 10 साल पहले मैं नोएडा में रहता था, बट नोएडा छोड़ दिया। 10 साल में मैंने काफ़ी सिटीज़ में मतलब ट्रैवल किया, बैंगलोर में रहा कुछ साल, पुणे में रहा कुछ साल, मुंबई में काफ़ी साल रहा, 8-9-6-7 साल रहा था मैं मुंबई में। बट अल्टीमेटली जब इधर आया और मैंने सर्च स्टार्ट की कि कौन किस एरिया में लेना अच्छा रहेगा और किस जगह, तो मैंने एक्सप्रेस हाईवे पे लेने का सोचा। और एक्सप्रेस हाईवे पे आप इधर देखेंगे, जब आप नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने लगे तो सेक्टर 150 काफ़ी प्रोमिनेंट सेक्टर है, और काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर्स यहाँ पे, एस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर, ATS है, और भी टाटा के हैं, गोदरेज के हैं, बहुत हैं। बट अभी फ़िलहाल तो एस रेडी टू मूव इन और तुरंत पोजीशन में एस ही अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे जब 2 साल पहले आया, मैंने यहाँ का एरिया की लोकेलिटी देखी, एरिया का क्लीननेस और किस तरह से हाइजीनिक है एरियाज एंड ऑल दोट थिंग्स, और मतलब काफ़ी खुला है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और जो चीज़ें आप और अपार्टमेंट्स में देखेंगे नहीं मिलती, और कंजेस्टेड नहीं है। मतलब आप अगर और भी सुपरटेक या और भी बहुत से बिल्डर्स हैं, नाम तो ऐसा नहीं ले सकता, लेकिन
बिल्डिंग्स के बीच का गैप बहुत कम है, तो आप अपनी बालकनी खोलिए, सामने बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग, उधर बिल्डिंग, आपको चारों तरफ बिल्डिंग मिलेगी, आपको एक ओपन एरिया नहीं दिखेगा। बट यहाँ का डिज़ाइन ऐसा है कि आप कोई भी अपार्टमेंट टावर में, कोई भी फ्लैट में आप रह रहे हैं, तो आपको हमेशा ओपन एरिया मिलेगा और आपको हमेशा व्यू, ग्रीनरी और एक क्रॉस वेंटिलेशन ऑफ द एयर, ये काफ़ी अच्छा है इधर। तो ये सब चीज़ें देखते हुए और प्लस एमिनिटीज़ तो काफ़ी अच्छी हैं, बेस्ट मतलब मुझे जो भी मैंने और भी अपार्टमेंट्स में देखे उससे एमिनिटीज़ काफ़ी अच्छी लगी। आप जिम देख लीजिए, स्विमिंग पूल देख लीजिए, क्लब हाउस एरियाज देख लीजिए, तो काफ़ी अच्छे हैं, ऑल्दो अभी क्लोज चल रहे हैं। बट ऐसा देखने में आता है कि बिल्डर और बायर्स की हमेशा जो है और काफ़ी बिल्डर्स भी ऐसे हैं कि जो बायर्स की सुनते नहीं। नहीं जी, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं जब नोएडा में लेने आया तो मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि आप ये देख के लेना, लोग लेके फंस जाते हैं। कई मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लिया फ्लैट, नाम नहीं लूँगा, बहुत अपार्टमेंट्स में लिया, बट उनको 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मतलब बोल के ये दिया कि विद इन 6 मंथ्स आप रेडी टू मूव कर सकते हैं। और आप देखेंगे भी तो बिल्डिंग इज़ फुल्ली रेडी, यू विल सी कि ये मतलब बस 2 मंथ्स 3 मंथ्स में विल मूव इट, लुक ऐसा ही लगेगा, बट 2 साल हो गए ड्यू टू मेनी ऑफ दी मे बी जो लीगल रीजन्स आप कह सकते हैं, तो नहीं शिफ्ट कर पाए। तो ये चीज़ें मैं बहुत मतलब ध्यान दे रहा था, देख रहा था, तो जब मैंने एस में दिया तो मेरा भी ये बहुत प्राइम कंसर्न था कि भाई आप मूव इन बोल रहे हो सही में है कि नहीं। तो मैंने आगे देखा तो लोग शिफ्ट हो चुके थे, ये 5 टावर हैं, टावर 1, 2, 3, 4 में तो काफ़ी मतलब 80-90% लोग रह रहे थे। टावर 5 में ऑक्यूपेंसी कम थी, बट लोगों ने परचेज करके अपना ले लिया था। तो ये चीज़ें मुझे कोई मतलब एक संतुष्टि थी कि नहीं, मतलब रेडी टू मूव है, मतलब आप अपना वुडवर्क एंड ऑल जो भी कराना चाहें दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस, बस बिल्डर की तरफ से आपको हैंड ओवर प्रॉपर मिल जाएगा। तो ये चीज़ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और दूसरी बात कि आप जैसे पे करें, वैसे होता है ना कि एक हाथ दे एक हाथ ले वाला चीज़ है कि मैं तुरंत पे कर रहा हूँ, आप मुझे तुरंत विद इन 15 डेज और मंथ मुझे आप पोजिशन दीजिए, वो चीज़ भी बहुत स्मूथ थी। एंड इट वॉज एक्चुअली जब मैंने लिया तो उसके एक मंथ बाद ही कोविड स्टार्ट हो गया, मैंने 2020 फरवरी जनवरी एंड फरवरी में लिया एंड मार्च 2022 को कोविड स्टार्ट हो गया, तो मेरा लोन नहीं हो पाया था क्लियर, मतलब इट वाज ऑन प्रोसेस और अप्रूवल जस्ट आने ही वाला था लोन का और ये हो गया। तो 3-4 मंथ्स लॉकडाउन था, बट बिल्डर्स का जनरली आप जानते हो रूल होता है कि विद इन 2 मंथ्स व्हेन यू हैव परचेज द फ्लैट यू हैव टू पे द मिनिमम लाइक 30% और 40% ऑफ द अमाउंट, तो वो भी काफ़ी मुझे कन्वीनियंट और काफ़ी मतलब लीनियंसी थी कि हाँ भाई चलिए आपका। और सम फैमिली मतलब कोविड था तो कुछ फैमिली भी अफेक्टेड थी, हो गई थी मेरी इससे, और माई फादर वॉज ऑल्सो अफेक्टेड ऑल दिस, सो ये सब रीजन मिला के मेरा 6 मंथ्स डीले हो गया पे करने में, तो ये भी काफ़ी कोऑपरेटिव रहा। तो मतलब आई हैव नॉट सीन एनी बिल्डर या एनी सोसाइटी और एनी ग्रुप कॉम्प्रोमाइजिंग और मीन्स इतना हेल्प करते हैं और इतना मतलब अपनी तरफ से आपको सहूलियत देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इस चीज़ को लेकर। सचिन अग्रवाल, इस शहर में आप कब से रह रहे हैं और क्या यहाँ की खासियत है? इस गोल्ड शहर में आए थे यहाँ अक्टूबर लास्ट ईयर, और अच्छी बात यहाँ की 2-3 चीज़ें जो USP में बोल सकता हूँ, एक तो क्लब बहुत अच्छा है जिन्होंने काफ़ी मेंटेन किया हुआ है, ओवरऑल जो लैंडस्केपिंग है वो भी बहुत अच्छी है, और जो मेंटेनेंस स्टाफ है डेफिनेटली वो भी अच्छा है। सिक्योरिटी वगैरह, कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें? सिक्योरिटी इज़ गुड, डेफिनेटली गुड, एंड कनेक्टिविटी डेफिनेटली मुझे लगता है जब ये अंडर पास का काम पूरा हो जाएगा, ये जो हमारे 150 में है, तो उसके टाइम पे मुझे लगता है थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। अभी भी बहुत बेहतर है इन टर्म्स ऑफ आप अगर वेरियस जैसे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है अपना वो कनेक्ट हो जाता है यहाँ से, और इन टाइम्स टू कम सामने जो ये फरीदाबाद वाला जो एक्सप्रेसवे है ये भी कनेक्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये 2-3 चीज़ें जब ये कंप्लीट हो जाएंगी शायद और बेहतर हो जाएगा। बट आज की डेट में भी डेफिनेटली एक्सप्रेसवे पे खड़ा हुआ है प्रोजेक्ट, तो डेफिनेटली इट्स गुड। हाँ जी, यहाँ अगर आप लोगों को शिकायतें होती है तो बिल्डर उस पर क्या तुरंत कार्रवाई होती है या आप लोगों को वेट करना पड़ता है? देखिए कई चीज़ों पे तो क्विक एक्शन हो जाता है, कुछ पे डेफिनेटली थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वी होप कि बिल्डर हमारी जो अगर जो भी हमारे कुछ इशूज़ हैं, बट डेफिनेटली दे आर ऑल एमिकेबली दे कैन बी सॉर्टेड आउट, तो मुझे लगता है कि कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए और वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए जल्दी। जसप्रीत सिंह, इस गोल्ड शहर में आप कब से रह रहे हैं और क्या
खास बात है इस अपार्टमेंट की? मुझे रहते हैं 4 साल हो गए हैं, मतलब मैं स्टार्टिंग वालों में से था जो सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे एकदम अर्ली स्टेजेस पे ही। और ख़ास ये बात है कि इसमें लो डेंसिटी है, छोटी सोसाइटी है, टावरों में गैप है, तो या एयर सर्कुलेशन अच्छा है, मतलब कम है सोसाइटी, तो सारे लोग आपस में मिल के रहते हैं, सब लोग जानते हैं। इससे पहले मैं एक बड़ी सोसाइटी में रहता था, तो वो चीज़ की वहाँ मुझे बड़ी वो दिक्कत होती थी कि बहुत ज़्यादा रश होता था, यहाँ उस चीज़ का नहीं है। ग्रीन एरिया है हमारे पास, और क्या बोलते हैं सोसाइटी में, मतलब एक जो एक रेजिडेंट को चाहिए होता है, मतलब जैसे 100 चीज़ चाहिए होती है तो 90 तो उसमें से है हमारे पास। यही चीज़ देख के हमने सोसाइटी पे लिया था और शिफ्ट हुए थे।